नमस्कार दोस्तों, भाग्यलक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, जब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर साफ साफ किस तरीके से अटैक कर रहा है बलविंदर, और बलविंदर ये बोल रहा है कि यहाँ से अब लक्ष्मी बच कर नहीं जाने वाली, बल्कि सभी लोगों को अब इसकी सज़ा मिलेगी और लक्ष्मी को यहाँ से मैं उठा कर ले जाऊँगा, यहाँ तक कि कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, ना ऋषि, ना नीलम, ना आयुष, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, ना ही लक्ष्मी को रोक पाएगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बलविंदर इस समय कितना ज़्यादा हावी होता हुआ नज़र आ रहा है, और बलविंदर की हावी होने के पीछे वजह सभी लोग जानते ही हैं, क्योंकि वो शुरू से ही निहायत ही बदतमीज है और वो किसी के साथ में किसी भी तरीका का अंजाम दे सकता है। सूत्रों के हवाले से दोस्तों एक और भी बड़ी खबर इस समय दस्तक देती हुई नज़र आने वाली है, जहां पर साफ साफ बोलता हुआ नज़र आने वाला है आप लोगों के बीच में। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय बलविंदर ये भी बोलता हुआ नज़र आएगा कि लक्ष्मी के साथ में तो मैं शादी रचा कर रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कहते हैं हर एक चीज़ के पीछे एक अपनी पर्सनल चॉइस होती है, और चॉइस भी थोड़ी घनी नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश को किस तरीका से कौन अंजाम देगा आप लोग जानते ही हैं। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर लक्ष्मी के साथ में एक नहीं बल्कि समय कई और भी हरकतें करता हुआ नजर आने वाला है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एक चीज़ और भी बोलता हुआ नजर आएगा इस समय बलविंदर, कि ऋषि ने बहुत मुझे तड़पाया है, अब मैं ऋषि को किस तरीका से तड़पाऊँगा वो ऋषि सोच भी नहीं सकता, ऋषि के साथ में मैं वो सब कुछ करने वाला हूँ, यानी सीधा सीधा एक अलग तरीका की धमकी ही देता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताएगा इस कैसी लग रही है आपको।